नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवार, NBCN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जहां पिछले साल 2023 में नागपुर पुलिस और तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने फरवरी माह जीरो हत्या मामले के तौर पर दर्ज कर अपनी फिट तपतपाई थी, वहीं 2024 साल फरवरी माह पुलिस प्रशासन और नए पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल के लिए सिरदर्द साबित हुआ। इस साल फरवरी माह में 13 हत्या के मामले सामने आए हैं। नए पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने नागपुर में अपना कार्यभार संभालने के बाद 13 हत्याओं की सौगात उन्हें मिली। 2024 में फरवरी माह में नागपुर शहर में विभिन्न जगहों पर 13 हत्याओं के मामले सामने आए थे। यह महीना पुलिस प्रशासन के लिए काफी तकलीफ भरा रहा। पुराने पुलिस आयुक्त की विदाई जैसे हुई, हत्या का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हो गया जैसे अपराधियों को अपराध करने की खुली छूट मिल गई हो। हत्या का सिलसिला कुछ इस प्रकार रहा। 1 फरवरी को नए पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल का नागपुर में आगमन हुआ, जिसके बाद 2 तारीख को ही वाठोड़ा परिसर में डबल मर्डर का मामला सामने आया था। इस मामले में पैसों के व्यवहार को लेकर 2 दोस्तों को मौत के घाट उतारा गया। मृतक में सनी शुरूकर, कृष्णकांत उर्फ कन्नू भट्ट थे, तो आरोपियों में किशन शेंडे, योगेश शेंडे और एक नाबालिग का समावेश है। दूसरी घटना कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत हुई है, जहां सट्टा कारोबारी मंगेश मेंढे को उसके ही दोस्त आरोपी राहुल रामटेके ने महज इसलिए मार डाला क्योंकि उसके मृतक को शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और उसने वह नहीं दिए, जिसका गुस्सा उतारने आरोपियों ने पहले तो मंगेश को घूमने चलने को कहा, बाद में उस पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। वाठोड़ा के मामले में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या करने की घटना सामने आई थी, जिसके उभरते हुए आपराधिक सुमित साखरकर और प्रणय सरदार ने अपराधी पक्या उर्फ शेख फिरदोस शेख की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था और आरोपी अपना दबदबा परिसर में बनाना चाहता है, जिसे लेकर यह हत्या की गई। वाठोड़ा के बाद नंदनवन पुलिस स्टेशन की हद में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पहली घटना में जुए के पैसों को लेकर हत्या हुई है, जिसमें आरोपी विशाल उर्फ मटर वानखेड़े, नितिन उर्फ मेंटल वानखेड़े और 4 से 5 आरोपियों ने मिलकर नीरज भोयर को मौत के घाट उतारा था और मृतक के दोस्त विशाल राउत को गंभीर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरी घटना में एक ट्रक मालक ने अपने ड्राइवर को महज इसलिए मार डाला कि वह काम पे नहीं आ सका। जख्मी ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अजनी परिसर में हुए हत्या के बाद नागपुर पुलिस आयुक्त एक्शन मोड में आ गए थे। घटना के बाद नए पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने सख्त कदम उठाते हुए अजनी के DB स्क्वाड को ट्रांसफर कर दिया, साथ ही स्टाफ को ठीक से पेश आने की हिदायत भी दे दी। कि इस तरह के कितने आरोपी हैं या फिर हद पार हैं जो कि शहर में घूम रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई शुरू करी हुई है अभी। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, इसमें जो हद पार था, क्योंकि उसके बारे में हमारे ऑफिसर्स को इंटेलिजेंस रहनी चाहिए थी, क्योंकि हद पर जिसको किया जाता है उसको बाहर छोड़ के आते हैं और छोड़ने के बाद में वो वापस ना आए, ये भी हम करते हैं और उसके घर पे जाके चेक भी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर हमको लगा कि ये कार्रवाई ठीक से नहीं हुई थी, तो इसलिए जो हमारे 8 पुलिस कर्मचारी थे उनको हमने अटैच किया है और इसमें फर्दर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है और वो जो भी इसमें आगे प्रूव होगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 पावली के हत्या मामले में मृतक का लड़की के साथ प्रेम प्रकरण के चलते आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। हुआ यूं था कि मृतक अभिषेक गुलाबे का आरोपी के रोहित नहार करके परिचित युवती से प्रेम संबंध थे, जिसके चलते पहले तो मृतक को समझाने के लिए आरोपी गए। बाद में बढ़ते विवाद के बाद आरोपी रोहित ने अपने साथी श्याम बाबू कुसेरे और राजकुमार राचलवार के साथ मिलकर अभिषेक को मौत के घाट उतारा। घटना के बाद पुलिस ने अभी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यह नए पुलिस आयुक्त आने के बाद 12वीं हत्या की घटना है, जिसमें मृतक रेलवे कर्मचारी महेश बावले को महज इसलिए मार डाला क्योंकि उसने आरोपी शेरू उर्फ शंकर राठौड़ को गाली देने से रोका था, जिसके बाद आरोपी ने अपने बेटे ऋतिक राठौड़ को बुला के लाया, जिसके बाद बेटे ने महेश के हाथ पकड़े, जिसके बाद शंकर ने मृतक पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को सर्च ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस में हुई हत्या की घटना से पूरा शहर दहल गया। हत्या की यह 3 दहाड़े हुई। आरोपी ने मृतक विनय पुनेकर के गले में गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस घटना
के बाद पुलिस हत्या की कई एंगल से जांच कर रहे थे, जिसमें ब्लैकमेलिंग का एंगल पुलिस को महत्वपूर्ण लगा। इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के साक्षी नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। हत्या की इन घटनाओं के बाद 2024 का फरवरी माह काफी चर्चाओं में रहा है। जहां एक और 2023 का फरवरी माह जीरो हत्या का मामले वाला रहा, वही 2024 में 13 हत्या के मामले सामने आए हैं। इन हत्या की घटनाओं के बाद नागपुर पुलिस को अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। जहां एक और पुराने पुलिस आयुक्त ने अपराध को काबू में रखकर अपना रुतबा बनाया था, वही नए पुलिस आयुक्त ने भी अपराधियों को पुलिस का डंडा दिखाकर अपराध पे काबू पाने की जरूरत दिख रही है। आप देख रहे हैं NBC News। नमस्कार।